Hello, guys. Today's our topic is that the organization of the tryptophan operon and the regulation via the ट्रिप्टोफान रिप्रेसर प्रोटीन एंड एटेन्यूएशन ओके तो आज हम जानेंगे ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन का यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है उसका रेगुलेशन जो है वो ट्रिप्टोफान रिप्रेसर प्रोटीन के थ्रू और एटेन्यूएशन प्रोसेस के थ्रू होता है तो उसकी हम आज शॉर्ट डिस्कशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ थ्री पॉसिबिलिटीज़ ये जब लो लेवल्स होता है तब क्या होता है हाई ट्रिप्टोफान लेवल होता है तब क्या होता है ओके तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट दैट द लो ट्रिप्टोफान लेवल्स जस्ट मिनट आई चूज इस वन यस लो ट्रिप्टोफान लेवल्स द ट्रांसक्रिप्शन एंटायर ट्रिप्टोफॉन ऑपरॉन जब ट्रिप्टोफान की तब क्या होगा उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा क्योंकि ट्रिप्टोफान इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल अमीनो एसिड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ दट प्रोटीन ओके फर्स्ट इसे हम पैराग्राफ को रीड करेंगे वेन द ट्रिप्टोफान लेवल्स आर लो ट्रिप्टोफान डज नॉट बाइंड टू द ट्रैप रिप्रेसर प्रोटीन ओके हमें पता है एक महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट जो बात है कि ट्रिप्टोफान इज अ वन टाइप ऑफ द को रिप्रेसर ऑपेरॉन को रिप्रेसर ऑपेरॉन भी इसे कहा जाता है क्योंकि ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन हैविंग द वन टाइप ऑफ द चेन यू कैन सी दैट हियर वन ट्रिप्टोफान आर आर यानी कि क्या यहाँ पर जो आर लिखा है ना वो आगे चलकर एक मैसेंजर आने ने बनाता है और ये जो मैसेंजर आने ने है वो कोड्स करता है किसके लिए तो इनएक्टिव ट्रिप्टोफान रिप्रेसर के लिए ओके ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा ओके ट्रिप आर की जब हम बात करें उस उस वो क्या बनाता है रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है लेकिन वो ऑलवेज इनएक्टिव रहेगा ओके okay, जब तक आ, ट्रिप्टोफान की सिंथेसिस की आवश्यकता है तब तक वो क्या रहेगा इनएक्टिव रहेगा लेकिन जैसे ही कोई ट्रिप्टोफान आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा देन आफ्टर वन उसका कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा और वो जाकर किस साइट पर जुड़ जाएगा ऑपरेटर साइट पर जुड़ जाएगा इस जगह पर और जो भी ट्रांसक्रिप्शन है वो बंद हो जाएगा लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनएक्टिव ट्रिप्टोफॉन रिप्रेसर प्रोटीन है सो so, यहाँ पर एम यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होता है ओके सो वेन एवर द लो लेवल्स ऑफ द ट्रिप्टोफॉन विच डज नॉट बाइंड टू दैट ट्रिप रिप्रेसर प्रोटीन एंड विच प्रिवेंट्स द रिप्रेसर प्रोटीन फ्रॉम बाइंडिंग ऑफ द ऑपरेटर साइट ओके कि जब तक ट्रिप्टोफान जो है वो नहीं होगा तब तक वो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं होगा और जो उनका कॉम्प्लेक्स ही नहीं बना ट्रिप्टोफान रिप्रेसर और ट्रिप्टोफान का कॉम्प्लेक्स ही नहीं बना तो वो ऑपरेटर साइट पर बाइंड नहीं होगा और वेनएवर द ऑपरेटर साइट इज ओपन सो आर एन एपोलीमरिज कैन ट्रांसक्राइब द ऑपेरॉन एंड विच लीड्स द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रिप्टोफान ई ट्रिप्टोफान डी ट्रिप्टोफान सी ट्रिप्टोफान बी एंड ट्रिप्टोफान ए जीन्स ओके यानी कि ई डी सी बी ए जीन्स का क्या होगा यहाँ पर एक्सप्रेशन होगा और दिस जीन्स विच आर एंड कोड्स विच आर इन्वॉल्व इन द ट्रिप्टोफान बायोसिंथेसिस। ये सभी जो जीन्स हैं ना, वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वो प्रोडक्ट्स ट्रिप्टोफान बायोसिथेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है You can see that this one is that RNA polymerase which binds to that promoter site because uh, operator site is uh, open. Okay, and then after one RNA polymerase which transcribes the, uh, these five types of genes and makes the mRNA. Okay, and this mRNA which is very very uh, helpful for that synthesis of. Uh, ट्रिप्टोफान, ओके okay? तो ये था लो लेवल की बात ओके okay? कि जब लो लेवल होता है ट्रिप्टोफान का तब ट्रांसक्रिप्शन होगा होगा और होगा ही अब हम देखेंगे हाई लेवल ऑफ द ट्रिप्टोफान रिप्रेशन अकर्स वन द ट्रिप्टोफॉन लेफॉन एक्ट एज अ को रिप्रेसर एंड विच इज़ बाइंड टू दैट ट्रिप्टोफान रिप्रेसर प्रोटीन ओके मैंने आगे कहा ना वैसे ही ट्रिप्टोफान अभी बहुत ज़्यादा है तो वो रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जाकर बाइंड होगा एंड देन आफ्टर वन ट्रिप्टोफॉन्ट ट्रिप्टोफान ट्रिप रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स दैट बाइंड टू द ऑपरेटर साइट एंड इन्हीबिट द ट्रांसक्रिप्शन ओके तो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ऑपरेटर साइट पर जुड़ गया है यू कैन सी दैट क्लियरली Uh, देखो यहाँ पर क्लियर इमेज लेने का मैंने ट्राई किया है लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर था ट्रिप्टोफॉन आर जीन विच एनकोड एम आर एन ए फॉर दैट रिप्रेसर प्रोटीन ओके एंड देन आफ्टर वन ट्रिप्टोफान लेवल्स आर वेरी हाई सो टू ट्रिप्टोफॉन मोलिकेसर चेंज यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दो जो गोल्स वो क्या है ट्रिप्टोफान है ओके तो ट्रिप्टोफान विच इज एक्ट एज अ को रिप्रेसर उसके पास क्या होता है को रिप्रेसर उसे हम कहते हैं को रिप्रेसर और जो इनएक्टिव इनएक्टिव रिप्रेसर होता है उसे कहते हैं एपोरिप्रेसर एपो रिप्रेसर को रिप्रेसर बाइंड होकर एक्टिव कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और वो एक्टिव कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑपरेटर साइट को ब्लॉक करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करेगा ओके सो यू कैन सी डैट यहाँ पर ब्लॉक बना है आर्यन पॉलीमरीज यहाँ पर आकर जुड़ नहीं पाएगा और जो भी आगे की प्रोसेस है वो नहीं होगी इन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट एटेन्यूएशन विच हैविंग इन द ट्रिप्टोफॉन ऑपेरॉन attenuation is a very very highly regulation process which is not found in lac operon okay you can see that the attenuation occurs in the rna transcribed only the attenuated sequence and then transcription is terminated you can see first of all यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है लेकिन ओनली जो एटेन्यूएटर सीक्वेंस है उसका ही ट्रांसक्रिप्शन होगा और वो जैसे ही ट्रांसक्राइब करेगी कि आगे की जो भी प्रोसेस है आगे की ये सभी जीन्स की जो ट्रांसक्रिप्शन है वो नहीं हो पाएगी तो यू कैन सी दैट द एटेन्यूएटर सीक्वेंस विच आर फाउंड इन बिटवीन द ऑपरेटर साइट एंड द फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन ऑफ द ट्रिप ई तो ट्रिप ई -E और ऑपरेटर साइट के बीच में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्रिप्टोफान एल जो ट्रिप्टोफान एल लिखा हुआ है विच इज ट्रांसक्राइब द एटेन्यूएटर सिकवेंस ओके ट्रांसक्रिप्शन बिगिनस बट स्टॉप्स एट एटेन्यूएटर सिकवेंस जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन शुरू तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर एटेन्यूएटर सिकवेंस पर ये जो है वो स्टॉप हो जा रहा है तो दिस इज कॉल्ड द एटेन्यूएशन एंड व्हाट अबाउट द एटेन्यूएशन विच इज़ डिस्कस इन द लास्ट वीडियो लेक्चर हम अगले वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में कि अटेनुएशन कैसे होता है कैसे ये ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो आई होप यू आर क्लियर अबाउट द थ्री पॉसिबिलिटी वेन एवर द लो ट्रिप्टोफान लेवल सर्कल्स एंड द हाई ट्रिप्टोफोन लेवल्स वॉट रिएक्शंस आर फाउंड which are C in this video lecture.